नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में जो सियासी चर्चाएं दिन जोरों पर है, उसमें कई नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। सबसे मुख्य नाम तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ही है, उसके बाद यहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, फिर उसके बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संग अजीत पवार, सुप्रिया सुले, अमित ठाकरे। फहरिस्त बहुत लंबी है। अब दावेदारी है यहाँ पर सीएम पद की, एक सीएम कुर्सी और इतने सारे नेता जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। युवा नेता आदित्य ठाकरे भी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कुर्सी पर हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या वापस सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं? अभी हाल ही में बीजेपी के एक नेता ने देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद पर वापसी पर ऐलान कर दिया था, और वहीं शिंदे गुट ने भी ये बात कह दी थी कि हम अपने आपको यूज एंड थ्रो नहीं होने देंगे, यानी कि हमारा इस्तेमाल करके वो हमें ऐसे फेंक नहीं सकते। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन सालों पुराना है और वही चल रहा है, लेकिन अभी शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह का प्रतीक आधिकारिक तौर पर नहीं मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। सवाल ये बनता है कि क्या सीएम पद पर वापसी की देवेंद्र फडणवीस की अभी भी कोई इच्छा है? क्योंकि इच्छा तो जरूर है, उन्होंने पहले डिप्टी सीएम पद भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वो कहते हैं ना कि शेर भूखा रह लेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वही देवेंद्र फडणवीस का भी हाल था। वो डिप्टी सीएम पद भी नहीं बनना चाहते, सीएम पद पर भी नहीं बैठना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते सिर्फ सीएम पद थे। तो इस पर हमारे साथ जो हमारी खास सहयोगी प्रांशु जुड़ी हुई है, उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के समय क्या आने वाले फैसले हो सकते हैं बीएमसी चुनाव से पहले, और जो विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या वहां पर शिंदे को बड़ा झटका देते हुए खुद सीएम पद पर वापसी कर लेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? जैसा कि दीपक आपने बताया कि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो कुछ भी बयान सामने आ रहे हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि सीएम पद पर एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन दीपक फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी 2.5 साल का कार्यकाल शिवसेना का बचा हुआ है, और उस 2.5 साल के कार्यकाल को एकनाथ शिंदे खुद पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आने वाले जितने भी चुनाव है उनमें जीत हासिल करेंगे, लेकिन 2.5 साल का जो कार्यकाल रह गया है उस कार्यकाल को भी हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर गौर करें, जैसा कि आपने बताया बयान के बारे में, लेकिन वही बीते कुछ दिनों पहले बीजेपी के ही एक नेता ने एक बात कही थी कि दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था, और देवेंद्र फडणवीस भी ये कहते हुए नजर आए थे कि विधायकों की संख्या में कमी रही तो बीजेपी ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे की मदद की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन बयानबाजी के चलते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है, वह यहाँ पर कई कार्यकर्ता अब भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो फिलहाल तो देखा जाए, बीजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया उस फैसले का उन्होंने स्वागत किया, वह इस पद पर यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस नाराजगी से हटकर उन्होंने एक बात कही थी कि जो भी हुआ अच्छा हुआ कि आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार तो बनी, अब कमान उनके हाथों में तो है महाराष्ट्र की। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके पद को बढ़ा भी दिया है, भले ही वह डिप्टी सीएम के पद पर है, लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं वो काफी बड़ी बड़ी दी गई हैं। विभागों का जो बंटवारा हुआ वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय उनको दे दिए गए, इसके अलावा भी ऐसे कई मंत्रालय हैं जो देवेंद्र फडणवीस के खेमे में हैं। दूसरी ही तरफ यहां पर बात की जाए अगर बीएमसी चुनाव के बारे में, तो बीएमसी चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस यहां पर बीजेपी के साथ तमाम रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे। जल्द ही 5 सितंबर के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे, लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यहां पर वह आएंगे, दर्शन करेंगे भगवान जी के, लेकिन साथ ही साथ बैठक की आएगी, उस बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे। दूसरे कैबिनेट का गठन भी होने वाला है अक्टूबर के महीने में, और उस अक्टूबर के महीने में अब कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब कयास ये लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर कुछ नेता जो हैं, जिनके 2 लोगों के नाम फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं जो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और शपथ ग्रहण कर सकते हैं, तो ये तमाम फैसले हैं जो बीएमसी चुनाव से पहले लिए जा रहे हैं। बस फिलहाल इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जी। तो इस बीच बड़ी जानकारी ये देना चाहेंगे कि साल 2019 वो समय था जब उद्धव ठाकरे ने शर्त रखी थी, छोटी सी कह सकते हैं उनके लिए थी, लेकिन बड़ी शर्त फडणवीस के लिए थी कि सीएम पद एक शिवसैनिक ही संभालेगा। तब वहां पर इनकार कर दिया था अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। लेकिन आज 2022 की बात करें तो शिवसैनिक, यानी कि जो बार बार फडणवीस कह रहे कि असली शिवसैनिक शिंदे गुट है और एक शिवसैनिक ही अब मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, ये बात सबके सामने और किसी से छुपी नहीं कि कैसे एकनाथ शिंदे ने अपने फैसले के आगे बीजेपी को लाख यहाँ पर घुटने पर मजबूर किया। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने इसमें कुछ बातें ऐड करते हुए ये कहा कि बीजेपी की रणनीति ही यही रहती है
कि वो बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल करती है। अब शिंदे ने इतनी बगावत करी थी, उनका नाम ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग कर रहा था, विदेशों में भी बहुत चर्चाओं में थे, तो उस नाम का इस्तेमाल कुछ सालों तक करती है, उसके बाद वो उनको पीछे बैकफुट पर कर देती है, यानी कि उनका इस्तेमाल बाद में नहीं होता, फिर उसके बाद अपने उन्हीं चेहरों को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो वही रणनीति क्या इस वक्त देखने को मिल रही है? क्या शिंदे के साथ धोखेबाजी हो रही है? क्या जो अगला चुनाव होगा 2024 के बाद, जो लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद क्या यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदले देखने को मिलेंगे? क्या फडणवीस की यहाँ पर कह सकते हैं दोबारा सीएम पद पर वापसी ऐसे नहीं तो इस तरीके से कराई जाएगी, वो भी शिंदे के दम पर? क्योंकि उन्हें तब कह सकेंगे कि आपको 2.5 साल का कार्यकाल दे दिया, अब फडणवीस को दोबारा दिया जाए ताकि दोनों का 2.5 साल चलता रहे, ताकि दोनों को ही दिक्कत ना आए। पहले भी उद्धव और फडणवीस के बीच ऐसी कुछ बातें आ रही थी 2.5 साल की, क्या दोबारा वही शर्तें यहाँ पर रखी जा सकती हैं? देखिए दीपक, जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर शर्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो फिलहाल शिंदे गुट के नाम से उनके खेमे को जाना जा रहा है, क्योंकि पार्टी का यहाँ पर गठन नहीं हुआ है, अवैध सरकार करार दिया जा रहा है इसको। तो ऐसे में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव चिन्ह नहीं है इस वजह से। तो चुनाव चिन्ह का अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर तमाम सवाल और उठ सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब अपने मालिक से बगावत कर सकते हैं तो आगे चलकर बीजेपी के साथ भी उनकी रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने बिहार में देखा कि नीतीश कुमार यहां पर अपने कद को काफी छोटा महसूस करते हुए नजर आने लगे थे बीजेपी की जो रणनीतियां रही थी, तो ऐसे में देखा जाए वो चीज यहां पर भी हमें देखने को ना मिले आगे चलकर। तो वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस अगर साजिश रच सकते हैं पूरी की पूरी उन्हीं के गुट को तोड़ने की, तो आगे चलकर और भी साजिशें देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं यहां पर जिन विधायकों को जो पद नहीं दिया गया है उसके चलते एकनाथ शिंदे तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, नाराजगी देखने को मिल सकती है दोनों ही गुटों में, देवेंद्र फडणवीस का गुट हो चाहे एकनाथ शिंदे का गुट हो। और ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से कमान को संभालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की जो यहाँ पर बैठकें हो रही है चाहे महाराष्ट्र में हो रही हो चाहे दिल्ली में हो रही हो, तो उन बैठकों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे फिलहाल तो उनका यहाँ पर स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि अचानक से एकनाथ शिंदे के सामने से माइक हटा लेते हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह एक चिट्ठी लिखकर उन्हें देते हैं जिसे देखकर एकनाथ शिंदे बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आगे चलकर दरार पैदा कर सकती हैं। तो आपको एक आंकड़ा देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में 164 आंकड़ा निकला था फ्लोर टेस्ट के वक्त फडणवीस और शिंदे की सरकार में, 39 विधायक शिंदे के पास है और 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, दोनों आंकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो 145 का ही आंकड़ा बनता है, बाकी विधायक निर्दलीय विधायक थे, उनके समर्थन से सरकार में और मजबूती आई। लेकिन जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो शिंदे और फडणवीस की चर्चा थी, बाकी निर्दलीय विधायकों को इतना यहाँ पर बढ़त नहीं मिली। लेकिन निर्दलीय विधायकों में एक जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू, उन्होंने साफ कहा था कि अगर शिंदे गुट हमसे नाता तोड़ भी देता है, बीजेपी से नाता तोड़ देता है, तब भी जो निर्दलीय विधायक है वो अपने समर्थन से फडणवीस को सरकार में बनाए रखेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि शिंदे गुट अगर अलग भी हो जाता है तो बीजेपी का कद इतना बढ़ चुका है कि महाराष्ट्र में अकेले दम पर वो सरकार बना सकते हैं? इस पर आपकी एक आखिरी राय कम शब्दों में जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी का कद तो पहले से ही ऊंचा है और हम पूरे देश भर में देख रहे हैं कि मोदी लहर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस वक्त अगर एकनाथ शिंदे का गुट कहीं ना कहीं अलग भी होता है या फिर एकनाथ शिंदे अलग पार्टी का गठन करते हुए आगे चलकर अपने अहम फैसले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार तो बना चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब राज ठाकरे को लेकर भी यहाँ पर तमाम बातें सामने आ रही, तो मुझे लगता है आगे चलकर के लिए कोई मुश्किल हालात पैदा नहीं हो सकते। ये बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं, ऐसा कयास हम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे ने काम बहुत बखूबी किया है, फडणवीस और शिंदे की जोड़ी बहुत अच्छा करती नजर आ रही है, और देखते हैं कि जोड़ी क्या कमाल क्या हमें बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिलेगा या नहीं। आपकी क्या राय है कि बीएमसी चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस की वापसी सीएम पद पर हो तो जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए खास डिबेट में, और आप भी बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।